समूह को, जरूरतमंद को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ देने का, सहयोग करने का काम किया जा रहा है। आज इस शुभ अवसर पर कुछ पोर्टल का उद्घाटन भी हुआ, कुछ नए स्कीम भी हम लोगों ने आज शुभारंभ कर दिए, जिसमें स्कॉलरशिप है, जिसमें किशोरी समृद्धि योजना है, और जो वर्तमान आपदा का विषय, जो सूखाग्रस्त राज्य की हालात को देखकर किसानों को मदद पहुंचाने का जो ऐतिहासिक कदम हुआ है। सुख वैसे राज्य में कई बार सूखा पड़ा, किसानों को सूखा का दंश झेलना पड़ा, लेकिन जो राशि इस बार समय पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है राहत के रूप में, ये पहली बार हो रहा है। और ये सूखाग्रस्त से राहत पहुंचाने के लिए जो लगभग आज 6,63,000 से अधिक, लगभग 64,000 किसानों को आज लगभग 232 करोड़ रुपए अभी एक बटन दबाकर पूरे राज्य में वितरित कर दिया गया। उसी प्रकार किशोरी समृद्धि के जो हमारे किशोरी बच्चियां हैं, उनको जो आज के दिन में 552 किशोरियों से अधिक बच्चों को के बीच में लगभग 219 करोड़ रुपए वितरित किए गए। स्कॉलरशिप के माध्यम से लगभग 21 लाख से अधिक बच्चों के बीच में आज स्कॉलरशिप बांटा गया, जिसकी रकम लगभग 438 करोड़ रुपया है। कुल मिलाकर के आज के इस शुभ अवसर पर पूरे राज्य में 890 करोड़ रुपए सरकार ने वितरित किए। ये एक बहुत बड़ा सरकार के लिए उत्साह का विषय है, और किसानों के लिए भी और बच्चों के लिए भी काफी खुशी का दिन है। विभिन्न जिलों में पदाधिकारियों ने, मंत्रियों ने इस स्कीम को आगे बढ़ाया। बहुत सारे योजनाएं हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं। मैं नहीं समझता कि आज के दिन में उन सारी चीजों को लेके आज इस वक्त को और बोरिंग किया जाए। आज उत्साह का दिन है, थोड़ा हम लोग उत्साहित होकर आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन थोड़ी बात जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार बनने के बाद का ये 3 साल कई उतार चढ़ाव सरकार ने देखे, कई आपदाएं देखी। मुझे लगता है कि 20 वर्षों में राज अलग होने के बाद इतनी चुनौती किसी सरकार को नहीं मिला होगा। सरकार ठीक से बनी भी नहीं थी कि कोरोना इस तरीके से हम लोगों को जकड़ा कि हम लोगों को घर में बंद होकर के रहना पड़ा। 2 साल सारा अर्थव्यवस्था से लेकर रोजी रोजगार से लेकर सारी चीजें बंद, मानो दुनिया थम सी गई हो, ऐसे परिस्थिति। और उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आगे होगा क्या। बहुत ही चिंता का विषय था। ये तो वही वाली बात हो गई कि सर मुड़ाते ओले पड़े,
लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। आपने देखा उस वक्त को, जो राज लगभग हर चीज में पिछड़ा हो और देश के पिछड़े राज्यों का मोहर भी लगा हुआ, जहां पर डॉक्टरों की अभाव, संसाधनों की अभाव, ऐसे स्थिति में भी इस राज्य में कोरोना में कहीं पर भी कोई अफरा तफरी की स्थिति हम लोगों ने नहीं होने दी। जहां समृद्ध राज, जहां बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े व्यवस्थाएं, बड़े बड़े डॉक्टर, देश दुनिया के नामचीन डॉक्टर, देश दुनिया के नामचीन अस्पतालों में से ऐसे ऐसे राज रहे, वहां पर जो कोरोना की स्थिति था, आप लोगों ने देखा कि लोग जानवरों की तरह मर रहे थे। लोगों को दफन करने के लिए जमीन खत्म, लकड़ियां खत्म जलाने के लिए, ये स्थिति। मजबूरन लोग अपने परिजनों के लाश को चील कौओं को खाने के लिए खुले मैदान में छोड़ देते थे। इतना भयावह मंजर था। लेकिन यहां जहां सबसे अधिक मजदूर, किसान लोग वास करते हैं, गरीब लोग वास करते हैं, यहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जहां एक दिन काम ना करे तो उसका चूल्हा भी ना जले, भूखा सोना पड़ेगा। ऐसे हालात इस राज्य में विगत 20 वर्षों से व्याप्त रहा। आज इस मंच से किसी को मैं कोसूंगा नहीं, लेकिन दुर्भाग्य 20 वर्ष का रहा जो सफर था, जब लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के लोगों को मरने पर मजबूर हुआ और ऐसे विकट परिस्थिति में मजदूर घर के बाहर जाता है तो बीमारी से मरता है, घर में रहता है तो भूखा मरता है। ऐसे विषम परिस्थिति में इस राज्यवासियों के लोग ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस राज को बचाने का काम किया। एक भी व्यक्ति कोरोना में भूखा से नहीं मरा। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। हम लोगों ने हर आपदा को एक अवसर में बदलने का प्रयास किया और सफलतापूर्वक इसमें भी हम लोग आगे आए। और जब थोड़ी सी हम लोगों ने विकास को गति दी, उसका परिणाम आप देखते होंगे कि आज राज्य के कोने कोने में, जहां लोग मुस्कुराना भूल गए थे, 20 सालों का दर्द और शोषण का जो आलम था, लोगों के साफ चेहरों पर झलकता था। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, बेरोजगार हो, शिक्षित हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सबकी स्थिति वही हाल। सड़कों पर आए दिन धरना प्रदर्शन चारों तरफ, चाहे रांची हो, चाहे जिला हेडक्वार्टर हो, चाहे प्रखंड कार्यालय हो, हर कोई पता नहीं क्या स्थिति थी। और आज की स्थिति आप देखिए, आज लोग कहीं ना कहीं इस आशा उम्मीद के साथ इस सरकार पर बनाए रखे हैं और चूंकि इस 3 साल तक जहां पर सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल ये राज्य, इन सभी वर्गों के साथ ये सरकार 3 साल उनके साथ खड़ी रही और आगे भी खड़ी रही। इनकी हक अधिकार के लिए हम लोगों ने निरंतर काम किया। वो
सामाजिक सुरक्षा की बात हो, चाहे वो नौकरी रोजगार की बात हो, किसानों को सम्मान की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आधारभूत संरचना की बात हो या नीति निर्धारण की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में आप उठा के देख लें। मैं इन सब के एक एक बिंदु पर जाऊंगा तो हम लोग को बहुत वक्त यहाँ बिताना पड़ेगा। जीवन और जीविका कैसे सुरक्षित रहे, इस आपदा और चुनौती के बीच में इन दोनों चीजों को हम लोगों ने बहुत दृढ़ता के साथ पूरा करने, हाँ ये बात जरूर है, अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। मुझे तो लगता है 20 सालों में पहली बार यहां पर कुछ हलचल हो रहे हैं। आज हमारे इस राज्य के बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे बहुत तेजी से जो हम लोगों को इस राज्य के लिए जो हम लोगों ने तैयारियां की है विगत समयों में, उस समय उस तैयारी का परिणाम अब आने का दौर है। कोई भी पेड़ हम लगाते हैं तो दूसरे दिन से फल नहीं देता, फल देने में उसको थोड़ा वक्त लगता है। और आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, हर तरफ इसमें कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन हम लोग उसके लिए भी मानसिक रूप से तैयार हैं। और हम लोगों ने बिल्कुल लक्ष्य साध रखा है, और उस लक्ष्य के अनुरूप सरकार अपना काम कर रही है। आज सरकारी कर्मचारी, किसान, मजदूर, नौजवान, शिक्षित, आपने देखा कि राज्य गठन होने के बाद पहली बार खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति, 30 वर्षों के बाद राज्य अलग होने के बाद तो की तो बात नहीं, 30 वर्षों के बाद पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति, जेपीएससी जैसे मकड़जाल जहां मुझे लगता है 20 वर्षों में ना जाने कितने बच्चों का भविष्य खराब हो गया, उन संस्थानों से महज 250 दिनों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके बच्चों को बीडीओ सीओ कलेक्टर बना करके राज्य में तैनात करना। और तो और खुशी की बात इसमें और होती है कि जब इस राज्य में बीडीओ सीओ और कलेक्टर जो बच्चे बनते हैं वो अब इस राज्य के बीपीएल परिवार के भी बच्चे बनते हैं, आंगनबाड़ी सेविका, किसान, मजदूर के भी बच्चे बन रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज खेल के जगत में देखें आप, झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य, ना जाने किस वजह से इस राज्य को पिछड़ा कहा जाता है, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन दूसरे देश, दूसरे राज्य के लोग तो इसको सोने का चिड़िया बोलते हैं, क्योंकि खनिज संपदा का भरपूर भंडार है और उस खनिज संपदा का लेन देन तो इस राज्य के लोगों को उससे रहा नहीं। इसका जो भी लाभ मिला, लाभ लेने वाले लाभ लेकर चलते रहे, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास ऐसे क्षेत्र अभी भी हैं
जो अनछुई हैं, जिसको लेकर हम निश्चित रूप से देश में, विदेशों में हम अपने राज का नाम रोशन कर सकते हैं। कई ऐसे राज्य हैं जिसके पास कोई खनिज संपदा नहीं है, एक भी खनिज संपदा नहीं है, लेकिन आज देश के अग्रणी राज्यों में हमारे पास खनिज संपदा भी है, अन्य संसाधन भी है, लेकिन आज देश के सबसे पिछड़े राज्य में लेकिन अब मुझे नहीं लगता जिस सोच और जिस उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, ये राज के लोग भी बढ़ेंगे और ये राज भी बढ़ेगा और बहुत जल्द जिस तरीके से हम लोग दिन रात इस राज के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति और यहाँ के इस राज को कैसे विकसित राज्यों में खड़ा किया जाए, उसके लिए जो काम हम लोग कर रहे हैं और जो धीरे धीरे वातावरण तैयार हो रहा है, बहुत जल्द मुझे सिर्फ आशा ही नहीं, विश्वास भी है, इस राज के अंदर जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है इस राज में, ये अपने पोटेंशियल सही तरीके से अगर हम लोगों ने इसका यूटिलाइज किया तो निश्चित रूप से, चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में तो हम पहले से ही रहे, नेतरहाट जैसा स्कूल हमारे राज में है जहां पर देश का सबसे अधिक आईएएस आईपीएस इसने पैदा किया, ऐसा नहीं है कि यहां का वातावरण बहुत खराब है, कि यहां ऐसा माहौल नहीं है, यहां पर दुर्भाग्य है इस राज का कि कभी इस विषय पर बहुत चिंताएं नहीं हुई। और आप देखेंगे आने वाले वित्त वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम हम लोग जोड़ने जा रहे हैं, जो बिल्कुल जो आज के शिक्षा व्यवस्था है और जो आज का डिमांड है उसके तर्ज पर राज्य सरकार की भी व्यवस्थाएं चलेंगी, सिर्फ चलेंगे ही नहीं, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बच्चे अपने भविष्य को और बेहतर निखार कर आगे ले जाने में कामयाब भी होंगे, ऐसी व्यवस्थाएं सरकार तैयार कर चुकी है, अब उसका परिणाम आना बाकी है। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ।